my medical professionals, myself, Dr. Naresh Bhati, Director of WellCare Overseas, Bengaluru. And dear medical professionals, specially आज मैं बात करने वाला हूँ physiotherapist के लिए. And अगर आपका सपना है, your dream is to come to Europe, Europe में आना है, आपको काम करना है, और specially country is called Germany. So WellCare Overseas is there to help you out to get the migration or job assistant in Germany for physiotherapist. So today in this video, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. काफ़ी सारे फिजियो का ये क्वेश्चंस है कि आप तो इंडियन फिजियो है, आप जर्मनी में कैसे जाके काम कर सकते हैं डायरेक्टली. तो उसके लिए आपको एक प्रोसेस के थ्रू जाना होगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड डिग्री रिकॉग्नाइजेशन. वो आपको अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. क्या है डिग्री रिकॉग्नाइजेशन, हाउ यू कैन बिकम अ रजिस्टर्ड फिजियो इन जर्मनी, टुडे इन दिस वीडियो वी गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल कि डिग्री रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इस डिग्री रिकॉग्नाइजेशन के. तो फर्स्ट थिंग है, जैसे कि आप थर्ड कंट्री फिजियोथेरेपिस्ट हैं यूरोप के लिए, तो थर्ड कंट्री के लिए आपका एकेडमिक कैरिकुलम है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं फिजियोथेरेपी के. अब डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपका डिग्री सर्टिफिकेट, आपका मार्क्स कार्ड, इंटर्नशिप, ट्रांसक्रिप्ट, रजिस्ट्रेशन, गुड स्टैंडिंग, पुलिस क्लियरेंस, मोटिवेशनल लेटर, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, इफ़ यू आर मैरिड, मैरिज सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए. एंड एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट. दीज ऑल डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट बी सर्टिफाइड. ये डॉक्यूमेंट्स आपको सर्टिफाई करने हैं. अब सर्टिफिकेशन क्या होता है, तो इंडिया में एक तो होता है लॉयर नोटरी, एक होता है ME अटेस्टेशन. तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स का क्या करना है, गवर्नमेंट लॉयर से नोटरी कराना है, सर्टिफाई कराना उसको, वो सर्टिफिकेशन बोलते हैं, वो सेट ऑफ जेरोक्स आपको देना है. और ये सारे डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ जो जिस स्टेट में आपको जर्मनी में जॉब मिला, जैसे 16 स्टेट है जर्मनी में, जैसे आपको जॉब मिल गया बर्लिन में, फ्रैंकफर्ट में, या कोई भी अदर एसएन में, हेसन में, किसी भी स्टेट में मिल गया, तो उस स्टेट का एप्लीकेशन फॉर्म होता है टू अप्लाई एज अ फिजियो, कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वो रिकॉग्नाइज करेंगे, इक्वलेंसी चेक करेंगे. तो उसके लिए आपको उस वहाँ की जिस स्टेट में आपको जॉब कंफर्म हुआ है, वो स्टेट का आपको एप्लीकेशन फॉर्म एंड कुछ पावर ऑफ अटॉर्नी आपको फिल करना रहता है. वो सारे डॉक्यूमेंट और आपने जो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट कराए लॉयर नोटरी से, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे अथॉरिटी को भेजना होगा. वहाँ भेज के, जर्मनी में भेज के, वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट होंगे जर्मन में, और ये जर्मन ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट आपकी काउंसिल में वहाँ पे सबमिट होते हैं. तो वहाँ की जो मेडिकल काउंसिल है, जो कॉमन काउंसिल है, वहाँ पे आपके ये डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं. वहाँ से आपको मान के चलना है 5 to 6 months टाइम लगेगा, 5 to 6 months टाइम आपको लगेगा आपका डिग्री रिकॉग्नाइजेशन आने में. और उसी के बेस पे डिसाइड होगा कि आप वहाँ के फिजियो के इक्विवेलेंट है या नहीं, और नहीं है तो आपको क्या करना है. तो उसके लिए जब वो डिसीजन देती है काउंसिल, तो दो तरीके के डिसीजन आ सकते हैं. फर्स्ट, काउंसिल बोल सकती है कि योर डिग्री इज पार्शियली रिकॉग्नाइज. अगर आपका डिग्री पार्शियली रिकॉग्नाइज है, तो इन दैट केस जो भी आपको डेफिसिट मिलता है कि इतना सब्जेक्ट या इतना टॉपिक जो है आपका क्लिनिकली इक्विवेलेंट नहीं है उनके, तो जो आपको डेफिसिट मिलता है वो 4 months, 6 months जो भी डेफिसिट है, आपको जर्मनी जाना है जॉब के साथ, आप वो ट्रेनिंग पार्ट कर सकते हो एज ए ट्रेनी, एंड आफ्टर दिस कंप्लीट और दिस योर ट्रेनिंग पार्ट, यू कैन राइट एन फिजियो लाइसेंस एग्जाम इन जर्मनी, देन यू कैन बिकम अ रजिस्टर्ड फिजियो देयर. ये पहला है. अगर काउंसिल आपको बोलती है कि यू आर गेटिंग फुल्ली रिकॉग्नाइजेशन, तो फुल्ली, अगर फुल्ली रिकॉग्नाइज या कंप्लीट रिकॉग्नाइजेशन मीन्स आपका डिग्री कंप्लीटली उनके इक्विवेलेंट, उनके एकेडमिक कैरिकुलम के मैच कर रहा है, अगर वो आपको मिल जाता है, तो आपको सिर्फ B2 चाहिए, कुछ ट्रेनिंग वहाँ पे होगा, और फिर आप डॉक्यूमेंट आप रजिस्टर कर सकते हो. लाइसेंस का आपको इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता, इक्विवेलेंसी अगर आपको कम्प्लीटली मिल गया. तो ये दो तरीके से काउंसिल डिसीजन देती है, और उसी के बेस पे आप अपना प्रोसेस आगे लेके जा सकते हो. उसी को बोलते हैं डिग्री रिकॉग्नाइजेशन, एंड बेस्ड ऑन दैट हाउ यू बिकम अ
रजिस्टर फिजियो इन जर्मनी, इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें करनी है। और उसके लिए वेल केयर ओवरसीज स्टैंड बाई यू, आपके साथ खड़ा है, और वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट विद दिस ऑल प्रोसेस इफ योर ड्रीम टू कम टू जर्मनी एंड वर्क एज ए फिजियो इन जर्मनी। और भी अधिक आपकी अगर कोई क्यूरीज है, फर्दर मोर यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन, सो बिलो गिवन नंबर, नीचे जो दिया गया नंबर है उस पर आप कॉन्टेक्ट करके आप अपनी करियर काउंसलिंग बुक करके कंप्लीट गाइडेंस भी जर्मनी जाने के लिए आप ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आप रखें अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे दे इजाज़त। जय कर्नाटका, जय भारत एंड जय हिंद।